नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेश वानखड़े। आजकल आप ऑनलाइन सब कुछ मंगवा सकते हैं, खाना पीना, दवाई, कपड़े, सब्जी भाजी, मोबाइल, बच्चों का सामान, और आजकल तो 10 मिनट में ही सामान घर पर आ जाता है। वहीं ऑनलाइन खरीदारी के लिए कई ऐप, वेबसाइट और मोबाइल नंबर होते हैं। अब तक आपने कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक चीज़ें, दवाइयाँ या फिर गैजेट्स ही ऑनलाइन मंगवाते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग का विस्तार हो गया है। लोग मंडियों से लेकर पशुओं की खरीद भी ऑनलाइन ही करने लगे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पशुओं की खरीदी ऑनलाइन कैसे की जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ एक भैंस की ऑनलाइन खरीदी की गई है। हालांकि ये खरीदी सफल नहीं हो पाई और भैंस के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड हो गया। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपको पता ही होगा कि सामान ऑर्डर करने से पहले उसकी खूबियों का विज्ञापन और तस्वीरें दिखाई जाती हैं। इसके अलावा उस चीज़ की कीमत भी लिखी होती है। इस भैंस की खरीदी में भी सब कुछ ऐसा ही था। दरअसल रायबरेली के टांडा गांव की एक डेयरी कारोबारी सुनील कुमार ने यूट्यूब पर भैंस का एक वीडियो देखा। इस वीडियो में भैंस की नस्ल, उसकी हेल्थ के साथ रोजाना 10 लीटर दूध देने का दावा किया गया था। इसके साथ ही इस भैंस को ऑनलाइन खरीदने के लिए एक नंबर भी दिया गया था जिस पर फोन करके भैंस की ऑनलाइन खरीदी की जा सकती थी। डेयरी फार्म चलाने वाले सुनील कुमार ने उस नंबर पर कॉल करके भैंस का ऑर्डर कर दिया और यही कॉल उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। दरअसल सुनील कुमार ने जिस नंबर पर फोन किया था, ये नंबर जयपुर के किसी शुभम का था जो खुद को पशु व्यापारी बता रहा था। सुनील ने भैंस के बारे में पूछा तो शुभम ने कन्फर्म किया कि ये भैंस रोजाना 18 लीटर दूध देती है और इसकी कीमत 55,000 रुपए है। इसको खरीदने के लिए आपको तत्काल 10,000 रुपए एडवांस देना होगा। 18 लीटर दूध देने वाली भैंस की आसान कीमत देख सुनील कुमार ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और सीधा 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अगले दिन जब भैंस नहीं आई तो सुनील कुमार ने वापस फोन किया जिस पर सामने से कहा गया कि आपको 25,000 रुपए और देने होंगे। पेमेंट ना करने पर शुभम ने सुनील का नंबर ब्लॉक कर दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भैंस को लेकर ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड होने के बाद डेयरी चलाने वाले सुनील कुमार ने इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में कराई। साथ ही उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इसलिए आप भी धोखाधड़ी के मामले से बचिए और ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में सतर्क रहें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।